हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट क्राफ्ट। आज इस वीडियो सेशन में हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रोटियस 7 या फिर प्रोटियस 8 सिमुलेशन है। माइक्रोकंट्रोलर की सिमुलेशन एंड दूसरे डिजाइनिंग करने के लिए सबसे फेमस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में पहला नाम प्रोटियस का ही आता है, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट सारे कंट्रोलर्स की लाइब्रेरी इंक्लूड होती है, जिसकी हेल्प से हम कंट्रोलर्स की कोड को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। मींस अगर हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करके एलईडी ब्लिंक करना चाहते हैं, बट हमारे पास 8051 का डेवलपमेंट बोर्ड और एलईडी की सर्किट नहीं है, तो इस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आउटपुट चेक कर सकते हैं। अब सिमुलेशन हो जाने के बाद डायरेक्ट पीसीबी डिज़ाइन भी रेडी कर सकते हैं, सो इट्स अ ड्यूअल बेनिफिट इन सिंगल सॉफ्टवेयर। अभी हम प्रोटियस सिमुलेशन का थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। 1998 में ये सॉफ्टवेयर डॉस बेस बनी थी। ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंट्री यूके है। 1996 में माइक्रो कंट्रोलर बेस प्रोटियस मार्केट में आया, बट उस टाइम पे इस सॉफ्टवेयर में 3D विजुअलाइजेशन नहीं था। एट द एंड ऑफ 2006 3D विजुअलाइजेशन को ऐड किया गया। 2015 में एमकैट को बिल्ड किया गया, जो कि पीसीबी फाइल को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने के लिए यूज होती है। प्रोटियस लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का प्रोडक्ट है। इस सॉफ्टवेयर में स्कीमेटिक सिमुलेशन एंड पीसीबी डिजाइनिंग होती है। इस सॉफ्टवेयर के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक है ISIS एंड सेकेंड वन इज एरिस। ISIS यूज होता है सर्किट डिजाइनिंग और सिमुलेशन के लिए। यहाँ पे हम रियल टाइम सिमुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एंड पीसीबी डिजाइनिंग करने के लिए एरिस यूज किया जाता है। अब चलिए इसके कुछ फीचर्स की बात कर लें। इसके इनबिल्ट लाइब्रेरी में बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ऑसिलोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर वगैरह भी हमें यूज़ करने को मिल जाता है। यहाँ पे सर्किट के पैरामीटर्स लाइक स्विचेस, डिस्प्ले, लोड, मोटर, लैंप एक्सेट्रा, बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें यूज़ करने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ हम इसमें 16 लेयर तक की पीसीबी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसमें फुटप्रिंट की कैटेगरी के बेस पर कंपोनेंट्स सेलेक्ट किया जाता है। पीसीबी डिजाइनिंग के लिए हम ऑटो राउटिंग या मैनुअल राउटिंग दोनों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम स्कीमेटिक डायग्राम को डायरेक्ट एरिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आती है माइक्रो कंट्रोल सिमुलेशन की बात। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोल के कोड के लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग हार्डवेयर और बिफोर इम्प्लीमेंट ऑन हार्डवेयर। मीन्स हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम माइक्रो कंट्रोलर और उसके रिलेटेड हार्डवेयर को सर्किट के हेल्प से ऐड कर सकते हैं, उसमें अपने कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम माइक्रो कंट्रोलर के लॉजिक को चेक कर सकते हैं ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जिसका यूज ज़्यादातर ट्रेनिंग और टीचिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से कंट्रोलर्स प्रोटियस लाइब्रेरी में इंक्लूड है, तो ऑलमोस्ट सारे फेमस कंट्रोलर्स इसके लाइब्रेरी में इंक्लूड है, लाइक माइक्रोचिप के कंट्रोलर्स एटमेल, आर्डिनो, आर्म कोटेक्स, NXP, 8051, आर्म, पीक, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम बात करते हैं पीसीबी डिजाइनिंग की। तो यहाँ पे पीसीबी डिजाइनिंग में ऑटो राउटिंग, मैनुअल राउटिंग भी अवेलेबल है, साथ ही साथ इसका फुटप्रिंट भी अवेलेबल है, और उससे हम नेटलिस्ट रेडी कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम इलेक्ट्रिकल डिजाइन टूल भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे हम 16 लेयर की पीसीबी रेडी कर सकते हैं। लास्ट में आता है 3D विजुअलाइजेशन। मीन जब हम पीसीबी डिजाइनिंग करते हैं उस टाइम पे अगर हमें कोई कंपोनेंट्स का 3D व्यू देखना है, तो इस सॉफ्टवेयर में 3D व्यू टूल्स को यूज़ करके हम किसी भी कंपोनेंट की साइज 3D व्यू में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये प्रोटियस का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद और भी सारे वीडियोस आने वाले हैं,
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगर आपके पास कोई इंक्वायरी या डाउट हो रिलेटेड टू प्रोटियस सॉफ्टवेयर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोटियस 7 या फिर प्रोटियस 8 को डाउनलोड कैसे किया जाता है।